चाहे कपड़े हो, ग्रोसरीज हो, दवाइयाँ हो या हो कोई भी घर का अन्य सामान, और आपको चाहिए हो इंस्टेंट डिलीवरी, अभी डाउनलोड करिए बिग ब्लिस ऐप। बिग ब्लिस ऐप पहुंचाएगा सारा सामान 10 मिनट में। बिग ब्लिस ऐप है खुशियों की अपनी दुकान। रूस यूक्रेन की जंग ने कच्चे तेल में आग लगाई है। कच्चा तेल $100 के ऊपर बना हुआ है। महंगे तेल से भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है। इसके चलते 2021-22 में ऑयल इंपोर्ट बिल दोगुना होने की आशंका है। ऑयल इंपोर्ट बिल $100 अरब के पार जा सकता है। जनवरी में ही $11.6 अरब तेल के इम्पोर्ट पर खर्च हुए। तेल महंगा होगा तो आपकी जेब पर भी असर पड़ेगा। रूस और यूक्रेन की जंग से भारत के खजाने का गणित भी गड़बड़ा दिख रहा है। मामला कच्चे तेल से जुड़ा हुआ है। क्रूड ऑयल पहले से ऊपर चढ़ रहा है। अब रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद हालात और खराब हो गए हैं। कच्चा तेल $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। इतना ही नहीं, तेल की सप्लाई को लेकर बड़ी मुश्किलें पैदा होती दिख रही हैं। अब भारत के लिए परेशानी ये है कि तेल के लिए देश पूरी तरह से इंपोर्ट पर टिका हुआ है। ऐसे में क्रूड ऑयल की ऊंची कीमतें देश के इंपोर्ट बिल को तेल निकालने वाली हैं। अंदाजा है कि इस साल देश का क्रूड ऑयल इंपोर्ट बिल पिछले साल के मुकाबले दोगुना हो सकता है। मतलब ये है कि कच्चे तेल के आयात पर सरकार को $100 अरब से ज्यादा रकम चुकानी पड़ सकती है। तेल मंत्रालय की पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल PPAC के आंकड़े बताते हैं कि मौजूदा वित्त वर्ष के पहले 10 महीनों यानी अप्रैल से जनवरी के दौरान भारत ने क्रूड के इंपोर्ट पर $94.3 अरब खर्च किए हैं। अकेले जनवरी में ही $11.6 अरब तेल के इंपोर्ट पर खर्च हुए हैं। माना जा रहा है कि कच्चा तेल आने वाले दिनों में $110 से $115 तक जा सकता है, यानी इंपोर्ट बिल खजाने पर भारी पड़ने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि तेल की महंगाई आम लोगों की जेब को भी निचोड़ने वाली है। पिछले कुछ समय से पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। मामला चुनावों से जुड़ा हुआ है, लेकिन पेट्रोलियम कंपनियां लंबे समय तक इस घाटे को झेल नहीं पाएंगी और उन्हें फ्यूल के दाम बढ़ाने ही होंगे। यानी देश का इंपोर्ट बिल बढ़ने के साथ साथ आपकी जेब का भी तेल निकलने वाला है। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।